ना लिया आप? हाँ जी ना लिया। रेडी भी हो गए? हाँ। अच्छा तो नाश्ता रह गया, बस नाश्ता कर लियो क्या? कोई नहीं, नाश्ता करवा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ला रही मैं अभी। अभी भूख नहीं है। ठीक है यार, एक काम था आपते हैं। क्या बोलो? 5000 रुपए चाहिए मुझे शाम को। क्या करोगे? आपको पता नहीं है क्या, मैं हर महीने पार्लर जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ चाहिए। कोई नहीं, ले लेना। दे दियो। उसका फोन चुप रहना। हेलो जी बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ। हाँ जी, फैमिली के साथ ही हो जी, बोलिए। नहीं बॉस, नहीं बॉस, हो नहीं पाएगा। मुझे पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे बॉस हो, पर ये बॉस हो नहीं पाएगा, आप समझिए प्लीज़ बॉस। मैं अपने घर में कलेश नहीं करना चाहता, प्लीज़ मेरी बात को मानिए। कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा अपनी, कोई बात नहीं जी बॉस। मुझे पता है बॉस मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ सर, अभी मैं नहा के आया हूँ। मुझे पता है बॉस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे बॉस हो, मुझे मालूम है बॉस। प्लीज़ बॉस, मैं अपने घर में कलेश नहीं करना चाहता, ये नहीं हो पाएगा बॉस, प्लीज़। मैंने आपको बोल दिया मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता, बस छोड़ दूंगा मैं नौकरी, मेरा कल लेटर पहुंच जाएगा ऑफिस में। मुझे पता है 4-5 दिन से आपने मेरे ऑफिस में भिजवाया है पियोन को, मुझे मालूम है वो 4-5 दिन से मुझे बोल रहा है, लेकिन मैंने सोचा चलो, मैंने उसको मना कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी बॉस, बॉस मुझे पता है आप ऐसे हर किसी को फ़ोन नहीं करते, आपने पर्सनली मुझे फ़ोन किया है, आप मेरे टैलेंट को जानते हो जी। जी मुझे मालूम है, मैं काफ़ी दिन से आपका एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है, मुझे आपका दिल दुखाते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, बट मैं अपनी घर वाली और बच्चों, आप समझिए प्लीज़, मैं क्लेश नहीं कर सकता घर में, मैं चैन से जीना चाहता हूँ जी बॉस। हाँ जी, कोई बात नहीं बॉस, मैं कल आके लेटर दे दूंगा ऑफिस में, मैं जॉब छोड़ दूंगा कल से। बॉस मैं क्या करूँ, आप मेरी मजबूरी को मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बॉस। हाँ जी जी बॉस, ठीक है जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बॉस, सॉरी बॉस, मैं कल आपको लेटर भेज दूंगा बॉस। ठीक है बॉस, बाय। क्या हो गया आपको? ठीक हो आप? क्या होता नहीं, क्या प्रॉब्लम? नो नो, मशीन बोल रही, मशीन कर क्या बिट्टे? बात बताओ यार, क्या हुआ, आपने क्यों नौकरी छोड़ दी? आपको पता मेरे से ले मेरी कितनी रेपुटेशन है? रेपुटेशन के चक्कर में अपने घर में कलेश नहीं करना चाहता भाई। तो ऐसा क्या चीज है जो कलेश हो जाएगा? बस मैं तेरे को बता नहीं सकता, मैं कल से जॉब नहीं करूंगा बस। यार आपने जॉब क्यों छोड़ दी, नो तो बता दो, तुम तो सुनते भी नहीं बीच में किसी की। तो बॉस से बात कर रहा था, बीच में तेरी सुनता क्या मैं? तो यार फोन तो कट करके थोड़ा पूछ तो लेते, क्यों छोड़ दिया? काट दिया फोन, अब काट दिया, ज्यादा ही गुस्से रहो जाओ आप तो, गुस्से मत भगत, और कुछ काम नहीं है आपको? मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं घर पे नहीं बैठने का, मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा, मैं डिलीवरी बॉय की जॉब कर लूंगा, मैं राइड कर लूंगा, मैं ओला उबर की गाड़ी चला लूंगा। हाँ ओला उबर की रहेगी, बस यही काम रह गया है ना? तो काम माड़े नहीं है ये? यार माड़े की बात नहीं है, आपने क्यों छोड़ दिया, पागल है क्या आप? हाँ करो ना, बोलो क्या बात है, पहले ये बताओ बात क्या है। यार मैं बात नहीं बता सकता, बट घर में कलेश होएगा, छोड़। यार तुम बताओ मुझे, नहीं करने की मैं कलेश? नहीं मुझे पता है, पिछली बार भी तूने किया था, इस बार भी तू करेगी। पिछली बार क्या किया था? मैं नहीं बता सकता, छोड़ ना, जो मैंने काम ही नहीं करना। Oh, no. मैंने जो भी छोड़ दी बात खत्म होगी। यार आप मुझे ये बताओ बात क्या है? मैंने बोल दिया ना तेरे को, मेरे को फोर्स मत कर, तेरे खर्चे में कमी नहीं आएगी बस। खर्चे की क्या बात है यार? कि पार्लर का 5000 लग रहा है, वहाँ फिर 2000 लगा करेगा, जहाँ तू 10-10 हज़ार के सूट ले लेती है, वहाँ फिर 1000-1500 की सेल में से लाया करेगी चीजें, यही होगा और क्या होगा, कोई बात नहीं। यार ये कोई बात थोड़ा ही, आप जॉब छोड़ रहे बिना वजह के, कोई बात तो होनी चाहिए। वो तो मुझे निकालने को कभी राजी नहीं होंगे बॉस, क्योंकि इतना टैलेंटेड हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ, मैं घर में कलेश पसंद नहीं है ना मुझे, मैं नहीं चाहता मेरे साथ घर में फिर झगड़े हो। मुझे ये बताओ बात क्या है यार, बात पूरी बताओ खुल के। क्या बात बताओ यार, बस समझ नहीं आ रही, कोई घर में फिर कलेश होएंगे, कोई फायदा उस चीज का? कोई कलेश नहीं होने का, तुम पहले फाइनल सी करो कि ये बात है। मेरी बात सुन फिर ध्यान से। हाँ बताओ। ठीक है, मेरे साथ कलेश करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी नौकरी तेरे लिए छोड़ी है मैंने।
यार मेरे को ये बताओ, ये छोड़ना। बात है, मैंने इसलिए नौकरी छोड़ दी है, बताओ तुम साफ साफ। मेरे बॉस ने 15 लड़कों को फाइनल किया है, जो किसी कंपनी की मीटिंग के साथ बॉस के साथ बाहर जाएंगे, 15 दिन के लिए गोवा जाना है। और मैं नहीं चाहता बाद में मेरे साथ झगड़ा हो। यार आप चले मैं जाओ, पिछली मैं बार 2 दिन के लिए गया था गोवा अपने बॉस के साथ कंपनी के काम से, और तूने 1 हफ्ते तक मेरे साथ लड़ाई रखी थी। वहां तो ऐश कर रहा होगा, हम यहाँ मरते रहते हैं भाई। मेरे को नहीं जाना, मेरे को तेरे से तेरे बिना जिंदगी जीनी नहीं है। मैं तो तेरे साथ ही जिया हूँ और तेरे साथ ही मरूंगा। मैंने बोला ना आप जाओगे 15 दिन के लिए, हाँ। तू लड़ेगी फिर मेरे साथ? नहीं लड़ने की, मैं प्रॉमिस कर, प्रॉमिस में वादा कर वादा। पर अब तो मैंने जॉब के लिए मना कर दिया। यार आप फोन करो ना, जॉब के लिए मना कर दिया, इतनी जल्दी कैसे मना कर दिया आपने? देख ले, लड़ियो मत फिर। नहीं लड़ने की मैं। ठीक है, मैं बॉस को अभी बोलता हूँ। बॉस नमस्कार, गुड आफ्टरनून बॉस। हाँ जी, हाँ बॉस, मैं कल से आ रहा हूँ, परसों की टिकट है ना? हाँ बॉस, मान गए, मान गई है, मीनू मान गई है। हाँ बॉस, बॉस मैं बीवी बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, अगर ये खुश हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये कहेंगे तो मैं अंगारों पे भी चलूँगा बॉस। हाँ जी, इसने बोल दिया है 15 दिन के लिए गोवा जा सकते हो आप। ठीक है बॉस, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बॉस, थैंक यू। ठीक है बॉस, वो कह रहे जब आप बैठने की क्या, वो कह रहे जब आप 15 दिन बाद आओगे ना, आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ तो आप किस बात के लिए? वो मैं आपको दे दूंगा अलग से। आप बस लड़ना मत मेरे साथ, जाओगे नहीं लड़ने की। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, 15 दिन बाद मैं आऊंगा ना, मेरे साथ कोई कलेश नहीं होना चाहिए। यार नहीं होने का। हाँ मैं खुद ही भेज रही हूँ आपको। अच्छा बात करते करते इतना सिर में दर्द होगा मेरे तो, यार टेंशन होगा। चाय लिया, चाय लिया, तू जाके जा, बढ़िया सा मीठा तेज करता। हेलो, हाँ रोहित, काम बन गया, मजे करेगा 15 दिन। तू तो यार बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, बोल रहा था पीछे से। अच्छा मैं घर पे हूँ, मैं बाहर जाके बात करता हूँ तेरे से। बढ़िया बढ़िया।